हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? ओके, पढ़ाई करते हो सब लोग? ठीक है ना? अभी आप लोग के एफए के टेस्ट शुरू होने वाले हैं स्कूल में, ठीक है? तो सब लोग पढ़ाई करते रहना, बराबर लर्न करते रहना, ओके? चलो, अभी हमारे 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना? आप लोगों ने वर्कबुक में लिख लिए होंगे। तो अभी हम लोग आज अपना 14 चैप्टर शुरू करेंगे, रैंक्स इन द डिफेंस सर्विस। ओके, रैंक इन द डिफेंस सर्विस, है ना? तो जो डिफेंस सर्विस जो होती है उसमें वो कौन कौन सी है? डिफेंस वाले, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है? तो आर्मी में तीनों में जो है रैंक होती है अलग अलग, ठीक है? आर्मी में जो रैंक होती है उसमें भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, है ना? नेवी में भी होते हैं ऑफिसर्स, है ना? जैसे इनमें अलग अलग होती है रैंक, जैसे पुलिस में होता है कि पहले सिपाही होते हैं, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर उसके बाद में कांस्टेबल बनते हैं, है ना? कांस्टेबल फिर हेड कांस्टेबल बनते हैं, फिर उसके बाद में SP, DSP, SIG, DIG ऐसे सब बनते हैं ना बड़ी पोस्ट में। तो ऐसे ही इनमें भी, इसमें भी जो है डिफेंस वालों की भी पोस्ट होती है अलग अलग, है ना? तो आर्मी में और नेवी में और एयरफोर्स में, तीनों में जो है, जो यहाँ पे आपको देखो 1 to 9 जो दिया हुआ है, ठीक है ना? तो आर्मी में उनको क्या कहते हैं और जो है इसमें क्या कहते हैं, है ना? नेवी में उनको क्या कहते हैं और एयरफोर्स में क्या कहते हैं, अलग अलग तीनों में जो है पोस्ट अलग अलग होती है। तो उसमें देखो, आर्मी में जनरल होता है, ठीक है ना? है ना, जनरल होता है। तो नेवी में उसको क्या बोलते हैं? एडमिरल, ठीक है? और एयरफोर्स में क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल, ठीक है? सेकंड में है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और नेवी में उसको क्या बोलते हैं? वाइस एडमिरल, ठीक है ना? और एयरफोर्स में बोलते हैं एयर मार्शल, ठीक है? थर्ड में है मेजर जनरल, मेजर जनरल बोलते हैं, और इसमें रियर एडमिरल, और इसमें बोलते हैं एयर वाइस मार्शल, ठीक है? फिर इसमें होता है आर्मी में होता है ब्रिगेडियर, है ना? ब्रिगेडियर, और इसमें होता है कमांडर, और उसमें होता है एयर कमांडर, ठीक है? क्योंकि एयरफोर्स तो प्लेन का ही होता है, नेवी वाला जो जहाज वगैरह का होता है पानी का, है ना? फिर इसमें होते हैं कर्नल, ठीक है? और नेवी में होते हैं कर्नल की जो पोस्ट होती है वो नेवी में वो क्या कहलाते हैं? कैप्टन, है ना? और इधर होते हैं ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स में, ठीक है? फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं आर्मी में, वो इधर कहलाते हैं कमांडर, और ये वाले कहलाते हैं विंग कमांडर, ठीक है? फिर मेजर, मेजर इसमें होते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, और इसमें होते हैं स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है? फिर कैप्टन, 8 नंबर पे आते हैं कैप्टन, और इसमें होते हैं ये जो इसमें कैप्टन जो होते हैं ना उसमें होते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है? फिर इसमें 9 नंबर में होते हैं लेफ्टिनेंट जो होते हैं वो इसमें कहलाते हैं सब लेफ्टिनेंट, और इसमें कहलाते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। हो गया क्लियर? समझ में आ गया सबको? अलग अलग जो है डिफेंस सर्विसेज में अलग अलग पोस्ट पे जो होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है? अब टैक्स योर ब्रेन देखो नीचे, उसमें आपको दिया हुआ है कि प्रेजेंट जो है, देखो जीके में अपने को क्या करना पड़ता है कि अभी आपका 600 है, मैंने आपको जो है वो फिफ्थ में भी समझाया था, बराबर है ना? फिफ्थ में भी आपको बताया था कि हमको जनरल क्वेश्चन जीके में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना? तो जनरल क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बराबर है? जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो चीफ मिनिस्टर कौन है, आपके ये गवर्नर कौन है आपके स्टेट के, है ना? और आपके प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये सब क्वेश्चंस भी आपको जनरल क्वेश्चन आते हैं जो प्रेजेंट में हैं, है ना? रेलवे मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है ना? फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो ये सब आपको आते हैं। ये सब के मैं नाम आप लोगों को लिखवाऊंगी, ठीक है? तो इसमें आर्मी से कनेक्टेड चैप्टर है, तो इसमें आपको क्या दिया है? फर्स्ट चैप्टर, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ द आर्मी। अभी जो है आर्मी का चीफ जो है वो कौन है, आर्मी का चीफ जो है वो कौन बना है? तो उसमें आपको लिखना है जनरल मनोज मुकुंद नारावने, ठीक है? जनरल मनोज मुकुंद नारावने, ओके? सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ द एयरफोर्स। एयरफोर्स का चीफ जो है वो कौन है?
वो आपको लिखना है, अभी जो प्रेजेंट में है। कौन है? चीफ मार्शल, चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओके, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, है ना, नौसेना का कौन है जो जल में चलते हैं, जहाज में चलते हैं, उनका जो है प्रेजेंट चीफ कौन है? तो आपको करना है एडमिरल करणबीर सिंह। ठीक है, आ गए तीनों समझ में? अब आपको इन्फो बॉक्स लिखना है। इन्फो बॉक्स में देखो, द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस सर्विस ऑफ आवर कंट्री। डिफेंस सर्विस में ये देखो, ये लोग चीफ लोग तो सबसे बड़े होते ही हैं, लेकिन उनसे भी जो बड़ा होता है, तीनों में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? उनको बोलते हैं सुप्रीम कमांडर, है ना। वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, जैसे हमारे दूसरे देश से कोई युद्ध हो जाता है, कुछ होता है, तो हमारे यहाँ की जो तीनों की सेनाएं हैं, उनको अगर आपको अटैक करने का बोलना है, तो सबसे पहले जो है वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर वो कहते हैं तो आप लोग अटैक कर सकते हो, बराबर है। तो वो कौन कहलाते हैं? कमांडर ऑफ द डिफेंस सर्विस। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये वाला चैप्टर लर्न करना है। ठीक है ना, डिफेंस सर्विसेज का। ओके, चलो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें भी लेंगे। आप लोग प्रिपेयर करते रहना, 1 to 7 चैप्टर तक आपका जो है, 1 to 8 या 1 to 7 चैप्टर तक आपका FA1 में आएगा। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयार करना है। ओके, तो हम लोग जो है फिर अगले इसमें मिलेंगे। बाय।